हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, नाश्ता हमने कर लिया है और तो नहा धो के तैयार भी हो चुके हैं। और ये देखिए पति देव भी आज रेडी शेडी है। इधर को आओ आज तो पहले हो गया भाई मैं बोल क्या जल्दी आज उठ गया था, रात सोया था। वैसे मैं 2:20 पे और रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। कल जो काम कर रहा था थक चुके थे काफी, सी को तो थक के नींद आ गया, इसने थक के नींद नहीं आई रात के टाइम। और आज आज कल की कल से ना शर्मिंदगी आई, आज सुबह सुबह नहा लिया। अच्छा एक बात बताओ भाई, मैं नहा लिया कल, मैं नहा था मुंह हाथ तो रखे थे, ठीक लग रहा था। और आज मैं नहा लिया जब भी ऐसे लग रहा, कर लो क्या करो। आपको मुंह हाथ धोने से उठा हुआ जाते हैं ठीक, तो इसलिए मुंह हाथ धो करो ज्यादा। पर नहीं अभी तो गर्मी हो रही ज्यादा, गर्मी में तो ना ही करेंगे, दो दो बार तीन तीन बार ना जाए गर्मी में, जो पूरी गर्मी आ जाए। अब सुबह जाया जाएगा और शाम को आ जाएगा, तो अब हम भी अपना काम करेंगे, ब्लॉग्स व्लॉग बनाते हैं और ये भी अपने काम पे चल दिए। हाँ और मैं आपको बता दूं, सारी बात मिला के ये है, ऐसी है कि सब बोलते हैं कमेंट में वंदना काम क्यों नहीं करती। तो मैं बता दूं आपको वंदना काम क्यों नहीं करती। असल में बात ऐसी है, जो वंदना है, वंदना की है, डॉक्टर ने बताया है वंदना को बेड रेस्ट अभी 2 महीने के लिए, ठीक है जी। और बेड रेस्ट कंप्लीट होते ही धीरे धीरे काम कर लेती है, वैसे तो घूमती फिरती रहती है, काम भी करती रहती है, झाड़ू वगैरह लगा लेती है, खाना वाने में मम्मी की हेल्प भी कर देती है, सारे काम करती है। और भारी जो काम होते हैं, भारी तो वैसे घर में कोई काम है नहीं, पर हम थोड़ी सी एहतियात बरतते हैं, कपड़े अपने ना धोए, प्रेस वगैरह ना करे, पर ये है कि थोड़े बहुत हेल्प कर देती है मम्मी की, दोनों लगी रहती है सुबह से शाम तक काम में, दोनों सास बहू। और सभी बोलते रहते हैं अपनी सास से काम क्यों कराती हो, कपड़े वगैरह। तो मम्मी को भी हमें लगता है थोड़ा होता है, पर मम्मी का हमने तेल चलाया हुआ है, लहसुन देसी तेल की मालिश पका के आराम लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है। कमेंट में बहुत सारे जो नुस्खे थे बताए थे, वे हमने कॉपी में लिखे हुए है सारे, और एक एक हम ट्राई करेंगे। पहले सबसे पहले चल रहा है लहसुन, और उसमें सूट वगैरह पकाकर मेथी मतनी और क्या करके बनाया, देसी तेल में पकाया है मम्मी ने। हाँ तो उसकी मालिश चल रही है सुबह शाम, और बहुत काफी आराम लग रहा है। और मेथी बोली थी पानी में भेगे रख दो रात को और सुबह खा लो, तो वो भी हमने स्टार्ट करवाई हुई है। और मम्मी को बहुत ज्यादा आराम लग रहा है फिलहाल, दर्द में बहुत ज्यादा आराम है, और वैसे भी अभी ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, काम वगैरह भी ज्यादा करती रहती है मम्मी। और भाई अब होलिया में तैयार, अब मुझे फिट होना गोबर ना दोगे कोई नहीं, तो अपना काम है, अपना काम करने में क्या शर्म जा रही। आज सुबह के बजे है 9 है नहीं, सुबह के बजे है 9, तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए शामली। एक नया काम मिल गया है मुझे, पार्ट टाइम, ऑनलाइन ही है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना पड़ता है, सुबह शाम तक वहाँ पे टाइम पास हो जाता है, शाम के टाइम अपने घर आ जाते हैं, डेली अप डाउन डेली हो जाता है, सबसे अच्छी बात है घर के घर, ना कहीं बाहर जॉब पे जाना। और कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, खाना बना बनाया मिलता है, ठीक है। पहले कभी रब मिला था बना बना, दिक्कत नहीं, वहाँ जो रुड़की था वहाँ तो खैर वहाँ से आया था पहले, वो तो चलो होटल में से काम थी, पर यहाँ तो बना बनाया मिल रहा था पहले लॉकडाउन से, एक साल तो हो गया लॉकडाउन को, मार्च में 18 मार्च में मैं घर आया था, और आज भी मैं घर ही हूँ, पूरा 18 तारीख को मुझे 1 ईयर हो जाएगा जो मैंने छोड़ दी थी। क्या कोरोना की वजह से सभी की छूट गई थी, सब घर पड़े हैं अपना। और बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, और भी मजेदार वीडियो होने वाला है। तो वंदना दिखाएगी आपको अपना रूटीन जो भी है, मैं चला अब नीचे, चलिए मैं भी चलती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या क्या कर रही है मम्मी, थोड़ा घूम लेते हैं हल्का फुल्का सा। आइए आप भी पीछे पीछे आओ, गया और जो है मुझे लग रही है ठंड, बछड़ा जो है आज खेत में नहीं गया है, ये देखिए पीछे बैठा है, इसके सींग आ चुके हैं, इसके सींग नहीं तलवाए थे, सींग नहीं तलवाए थे मम्मी, सींग तो नहीं तलवाए थे, दिन करके छुट में से फिर यो गया नहीं गई थी बेचारा, इसके सींग बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे वैसे, कहीं नहीं होते, ये बैल बना दिया। देखिए मम्मी ने लगाए हैं यहाँ पे गुस्से, अब बटोड़ा तो नहीं रखा है, जो पशुओं के ऊपर खोर के ऊपर जो टांड है उसमें लगाए हुए है, और थोड़े से और रह गए हैं, इसमें पूरी भरेंगे टांड, एक साल के लिए काफी है,
क्योंकि गैस भी जलता है और ये तो हैरे वगैरह में डालने के लिए होते हैं, लेकिन जो दूध पकाना होता है मट्ठा बनाने के लिए। मम्मी ने भर दिया है कुकर, अभी चेहरे रेडी तैयार तो हो जब डाल ले। यहाँ पे हुआ है सुबह का टाइम, तो देखिए घर का जो काम था हमारा सारा हो चुका था, यानी कि घर की जो साफ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह वो हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि लाइट आ रही है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि जो है लाइट दिन में इतनी नहीं आती है, शाम के टाइम और सुबह के टाइम आती है, वो भी काम का टाइम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके कपड़े पड़े हैं और इन्हें प्रेस के कपड़े यानी कि प्रेस कर ली जाए इनके कपड़ों पे। और काफ़ी सारी शर्ट थी इनकी और इनके जो ये पैंट वगैरह थी वे भी थी। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस, और मम्मी भी बैठी हुई थी यहीं पे मेरे पास में, और मैं और मम्मी बातें भी कर रहे थे और प्रेस भी कर रहे थे। और वे चले गए थे शामली, यानी कि जो उन्होंने नई जॉब कर रहे हैं वहाँ पे चले गए थे। तो देखिए प्रेस करने के बाद धोने हैं मुझे कपड़े, और कुछ मशीन में धुल रहे हैं, लेकिन उनके जो कपड़े हैं वे मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि जो मशीन में होते हैं ख़राब हो जाते हैं नए कपड़े, और पुराने कपड़ों को तो धो लेते हैं जो डेली यूज के हमारे होते हैं, वे तो इतने ख़राब नहीं होते हैं। और पैंट वगैरह भी हम मशीन में ही धो लेते हैं, लेकिन जो शर्ट वगैरह हैं उन्हें हम हाथ से धोएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि वे ख़राब हो जाएंगी मशीन में। तो देखिए यहाँ पर प्रेस हो चुकी है और फिर करते हैं अपना काम। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े, प्रेस वगैरह थी जो मैंने कर ली थी। हो प्रेस करना यानी कपड़े धोने के बाद करना है हमें और सारा काम, घर का खाना भी बनाना है, और खाने में देखते हैं क्या है। और हाँ खान, तो देखिए यहाँ पे मैं साबुन लगा कर यानी कि वैसे से भी धो लेते हैं, इजी में भी धो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं साबुन लगा के धो रही हूँ। टी शर्ट वगैरह है जो मैं ब्रुश से धो रही हूँ, और ब्रुश से जो है अच्छे जो दाग वगैरह होते हैं वे निकल जाते हैं, मशीन में इतने अच्छे नहीं धुलते हैं कपड़े, तो हाथ से अच्छे धुल जाते हैं। और कट्टे पे मैं इसलिए धो रही हूँ रख के, क्योंकि नीचे फर्श जो है थोड़ा खरदरा सा हो रहा है, और इससे ये है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि कट्टे पे रख के इन्हें धो लिया जाए, इनमें यानी कि ब्रश वगैरह मार लिया जाए। तो देखिए कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं और कुछ रह गए हैं बाकी, और जो मेरे सूट सलवार है यानी कि उन्हें भी मैं हाथ से धो लूँगी, क्योंकि इतने गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सरफ में को निकाल के और हाथ से धो लेते हैं, क्योंकि उनका कलर उतरता रहता है और जो दूसरे कपड़े होते हैं उनमें चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं उन्हें अलग धोती हूँ। अपने कपड़े हैं जो सूट वगैरह के, कोई कोई सूट होता है तो उनके कलर उतर जाता है, तो मेरा जो है सूट का कलर नहीं उतरता है, लेकिन सलवार का जो है चॉकलेट से कलर का है इसका कलर उतर जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हुआ दोपहर का टाइम, दोपहर के बजे हैं 11। तो देखिए घर का जो है काम हो चुका है और कपड़े भी यहाँ पे धुल चुके हैं, हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। कपड़े जो है हमने धो दिए थे और इन्हें फैला भी दिया है, धूप निकली हुई है बहुत अच्छी, और सामने ही दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए कितनी तेज से धूप निकली हुई है, और इधर मम्मी फैला रही है कपड़े, कुछ मैंने फैला दिए हैं पहले ही, और लाइट भी जाने का टाइम हो रहा है इस टाइम, और आज तो लाइट वैसे आ गई मम्मी है, और इस टाइम तो भाग जाता रोज। तो देखिए कपड़े जो है सूख जाएंगे, और हवा इतनी तेज चल रही है, देखिए कपड़े हिलते दिख रहे होंगे आपको, इधर भी देखिए, और गोल मटोल हवा चल रही है, कभी इधर को चलती है कभी इधर को, और कुत्ते जो है बहुत भौंक रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, खाना बनाते हैं अपना। देखिए शाम का टाइम है, तो अब हो चुका है दूध निकालने का टाइम,
शाम के बजे हैं 4:30, तो इसी टाइम दूध निकाला जाता है। ये देखिए, और शाम में जो है ज्यादा भागने की कोशिश करती रहती है हर टाइम, और बहुत ही बड़ी हो चुकी है ये तो, एक जने पे तो संभलती भी नहीं। ये देखो चस्के मार के दूध पी रही, और थोड़ी देर में खत्म कर दिया सारा का सारा दूध। अब बड़ी हो चुकी है, इसे ज्यादा घास खाती है, सन्नी वगैरह जो होती है। तो देखिए गाय भी कितना प्यार कर रही है, एक माँ बेटी यानी कि एक दूसरे से। तो चलिए मम्मी निकाल लेगी दूध। और मम्मी जो है पटड़ी पे बैठ के निकालती है दूध। देखो किसने आफत उतार रही, दोनों की दोनों ज्यादा मस्त आ रही। यह इनका प्यार करने का तरीका। वैसे दूध नहीं मिला फिलहाल, जितना मिलना था मिल चुका है, और अभी छपेगी इसकी खाल। तो देखिए मम्मी निकाल ली दूध फिलहाल, और इसी टाइम होता है गांव में दूध निकालने का टाइम। तो देखिए बछड़ा जो है इधर बंधा हुआ है, और ये काफी बड़ा हो चुका है बछड़ा, और फोन को देख के कैसे कर रहा है। और इसके तो कभी कभी दर्शन होते हैं बछड़े के, और बुग्गी में जाने लगा है ये, अभी तक 1.25 साल का कुल हुआ है, तो इसे बुग्गी में भी लेके जाने लगे चाचा जी। यार लेकिन नाथ भी डाल रखी है इसके, और घास खा रहा है बढ़िया मजे से। फ्रेंड्स अभी हुआ है शाम का टाइम, शाम के बजे हैं 5, तो जो हमारा घर का काम तो सारा हो चुका है, दूध वगैरह भी निकाल लिया है मम्मी ने, तो वो अब हो गई है शाम के खाने बनाने की तैयारी। तो चलिए हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।